हो गई पूरी तैयारी, क्या संजू को कप्तान बनाएगी सीएसके इस बारी? धोनी की टीम बड़ा कदम उठाएगी, संजू को टीम मिलाएगी। चेन्नई का एक ऐसा सच बाहर आया जिसने कर दिया फैंस को परेशान, अब चेन्नई में बचने वाला है घमासान। जडेजा, मोइन अली, स्टोक्स को भी नहीं मिलेगा मौका, क्या चेन्नई फैंस को दे रही है धोखा? एक ऐसी खबर बाहर आई जिसने बीसीसीआई की भी नींद उड़ाई। धोनी जब 2023 के बाद चेन्नई छोड़कर जाएंगे तो क्या संजू को देंगे कमान? आखिर क्या है अंदर की बात जिसने बदल दिए हालात? उसके बाद क्या संजू आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन जाएंगे? सारे दिग्गज उनके पीछे रह जाएंगे? क्यों हो रही है ये बात? बदलने वाले हैं चेन्नई के हालात। जी हाँ, आईपीएल 2023 के बाद जब धोनी चेन्नई से चले जाएंगे तो क्या संजू चेन्नई के साथ आएंगे? क्या संजू को धोनी के बाद चेन्नई का कप्तान बनाया जाएगा? क्या संजू राजस्थान के बाद चेन्नई की पहचान बनने वाले हैं? क्योंकि चेन्नई के खेमे से जो खबर आई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। खबर के मुताबिक क्या धोनी की टीम चेन्नई अपने चाहने वालों को धोखा दे रही है? पर्दे के पीछे चेन्नई का वो कौन सा खेल है जिसने इस टीम के पसंद करने वालों के दिल को तोड़ दिया है? क्योंकि अगर आप आईपीएल की बाकी टीमों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हकीकत में धोनी की टीम में एक ऐसी चीज है जिसने फैंस के दिल को दर्द पहुंचाया है। क्या आपने इस गलती के बाद चेन्नई पर एक बार दोबारा से बैन लगने वाला है? चलिए हम आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल आपको पता है कि धोनी की टीम चेन्नई को चाहने वाले वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में मौजूद है, लेकिन इस टीम को चाहने वाले साउथ में बहुत ज्यादा है। धोनी का होम ग्राउंड भी साउथ में है, इस टीम के मालिक भी साउथ के हैं, इस टीम की पहचान भी साउथ के तौर पर होती रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि साउथ के स्टेटस के साथ खेल रही इस टीम के पास कोई भी खिलाड़ी साउथ का नहीं है, जबकि मुंबई, गुजरात जैसी टीमों में उनके राज्य के खिलाड़ी खेलते हैं। लेकिन आईपीएल की सबसे मजबूत और सबसे कामयाब टीमों में से एक चेन्नई की टीम अपने राज्य के खिलाड़ी को तरजीह नहीं देती। इसके बाद साउथ के लोग चेन्नई को बैन करने की मांग करने लगे हैं। दरअसल पीएम के विधायक एसपी वेंकटेश्वर ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार से मांग की कि वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पर प्रतिबंध लगाएं, क्योंकि टीम में राज्य से कोई खिलाड़ी नहीं है। सीनियर पीएम के नेता ने विधानसभा में कहा कि तमिलनाडु में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन सीएसके फ्रेंचाइजी ने अपनी 27 सदस्यों की टीम में एक भी खिलाड़ी को नहीं रखा है। उन्होंने कहा कि सीएसके तमिलनाडु के नाम का इस्तेमाल करके भारी कमाई कर रही है, लेकिन उसने तमिलनाडु के खिलाड़ियों को दरकिनार करके उनके साथ गलत किया है। आपको बता दें कि पीएम की पार्टी तमिलों से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए जानी जाती है, और वेंकटेश्वर का ताजा बयान इस चिंता पर आधारित है कि तमिलनाडु का कोई खिलाड़ी सीएसके में क्यों नहीं। वेंकटेश्वर के इस बयान के बाद सीएसके के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। फैंस का मानना है कि धोनी की कप्तानी में चार बार चैंपियन रह चुकी चेन्नई साउथ के खिलाड़ियों के साथ गलत कर रही है। बाकी टीमें अपने राज्य के खिलाड़ियों को खरीद रही हैं, टीमों में खिला रही हैं, तो फिर चेन्नई वो काम क्यों नहीं करती? इस बयान के बाद फैंस का कहना है कि धोनी के रिटायरमेंट के बाद संजू को चेन्नई का कप्तान बना देना चाहिए। फैंस का मानना है कि एक तो संजू साउथ से आते हैं, दूसरा उनके पास कप्तानी का अनुभव है, वो पिछले कई सालों से राजस्थान की कप्तानी कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं, संजू केरला की टीम की भी कप्तानी करते हैं। फैंस का कहना है कि चेन्नई की टीम अगर संजू को कप्तान बनाने का फैसला करती है तो इस टीम को चाहने वालों की संख्या बढ़ जाएगी और टीम भी मजबूत हो जाएगी। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी को चाहने वाले प्यार से थाला कहते हैं, तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि वो इस सीजन के बाद संन्यास ले लेंगे। हालांकि धोनी क्या चाहते हैं इसके बारे में वो खुद ही जानते हैं, लेकिन अगर धोनी के जाने के बाद इस टीम की कमान किसी साउथ के खिलाड़ी के हाथ में आ जाए तो इसके चाहने वालों की संख्या वास्तव में बढ़ जाएगी। वैसे आपका वेंकटेश्वर के इस बयान पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में चेन्नई साउथ के खिलाड़ियों को मौका ना देकर गलती कर रही है, और क्या संजू धोनी के बाद चेन्नई के कप्तान बनाने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।